आप सभी को शुभ प्रभात। मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग एक की पाठ संख्या एक, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा और इसके लेखक है प्रेमचंद्र, के द्वितीय तृतीय अंश को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हीरा और मोती नाम के दो बैल झूरी नाम के किसान के पास रहते थे और झूरी के साले ने अपने घर किसान संबंधी कार्य को करने के लिए उसके दोनों बैलों की मांग की, जिस पर झूरी ने अपने दोनों बैल अपने साले को दे दिए। लेकिन दोनों बैलों को वहाँ मन नहीं लगा और वो वहाँ से भागकर वापस झूरी के यहाँ चले आए। आज हम इस अंश में वहाँ से आगे की कहानी का सारांश जानेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि कहानी कितनी भी बड़ी हो उसका संक्षिप्तीकरण करना चाहिए और उसके महत्वपूर्ण हिस्से को सारांश के रूप में अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। एक सारांश के अंतर्गत पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर छुपे होते हैं। तो आज भी मैं आपको प्रथम पाठ के द्वितीय अंश का सारांश सुनाऊंगा। कल के भाग में हमने पढ़ा कि हीरा और मोती भाग कर वापस अपने घर अपने मालिक झूरी के पास चले आए। फिर से पीछे पीछे वापस दोबारा झूरी का साला गया, पुनः से झूरी के घर आ गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। इस बार आके उसने फिर कहा कि ये दोनों बैल बहुत बदमाश हैं और ये मेरे यहाँ से भाग आए। झूरी की पत्नी पहले से ही ये चाहती थी कि दोनों बैल उसके मायके में जाकर काम करें, अतः झूरी ने दोनों बैलों को फिर से वहाँ भेज दिया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा। वो पहले वाली गलती दोहराना नहीं चाहता था और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया, क्योंकि वो क्रोधित था। हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। अगले दिन उन्होंने हल से जोतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने खींच कर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस न हुए, उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, परंतु गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थी इसलिए वह पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय गया की नन्ही लड़की दो रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरव को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके वह चुप रह जाते थे। लड़की के दो रोटियां देने से हीरा मोती की पेट क्या भरती, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाव, इंसान भाव का भूखा होता है, उस प्रकार पशु भी भाव के भूखे होते हैं। प्रेमचंद्र ने यहाँ यही दर्शाने की कोशिश की है कि दो बैलों का पेट रोटियों से तो नहीं भर सका, लेकिन हाँ, उस लड़की के भाव से, प्रेम और स्नेह से उनका पेट भर गया। अगली रात उन्होंने रस्सी तुड़ाकर भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को कमजोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियाँ खोल दी। लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण न भागे। लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। हीरा मोती अब भाग पड़े। गया ने उनका पीछा किया, गांव के और लोग भी पीछे हो लिए। दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए एक खेत के किनारे पहुंच गए। मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाए, हरी हरी मटर लगी हुई थी। उनकी तो बाछे ही खिल गई। दोनों ने जमकर पूरे पेट भर मटर खाए और मस्ती में आकर उछल कूद करने लगे। तब तक वहाँ एक सांड आ पहुँचा। अचानक उनके सामने जब एक बड़ा सांड आया, दोनों डर गए। मुकाबला करें तो कैसे? ये दोनों शारीरिक रूप से उससे बहुत कमज़ोर थे और सांड शारीरिक कद काठी से काफ़ी बलशाली दिखाई दे रहा था। हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करें।
उन्होंने यही किया। सांड पर एक सिंह चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपने सिंह घुमेड़ देता। सांड को दो दो शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वह बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और उसे छोड़ दिया। यहाँ प्रेमचंद्र जी ने एकता पर बल दिया है। यहाँ हमें यही सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार हीरा और मोती ने एक बलशाली सांड को एक साथ लड़कर परास्त कर दिया, उस प्रकार अगर हमारा समाज एकता से रहे तो हम कभी भी किसी बाहरी शक्तिशाली व्यक्ति या शक्तिशाली देश को भी परास्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो एकमत होकर चलने की। यहाँ यही संदेश दिया जा रहा है इस कहानी के माध्यम से। इसके आगे विजय के नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाने शुरू ही किए थे कि दो आदमी लाठियां लेकर आ गए। हीरा तो भाग गया परंतु मोती कीचड़ में फंस गया, पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। यहाँ एक बार फिर से हीरा और मोती के बीच अगाढ़ प्रेम को दर्शाया गया है कि एक के पकड़े जाने पर दूसरा जो भाग गया था वो भी वापस आकर पकड़ा जाता है। इतनी मित्रवत व्यवहार और यह एकता ही उन दोनों के बीच के प्रेम और कभी न टूटने वाले दोस्ती का राज है। रखवाले ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस आवारा पशुओं के का एक जेल होता है, जिसमें उन पशुओं को कैद किया जाता है जिसके कोई मालिक नहीं होते और वह किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं। वहाँ तमाम गधे, घोड़े, गाय, भैंसें कैद करके रखी जाती हैं। उसी को हम काजी हाउस कहते हैं। इस दूसरे अंश में जब आप किताब के माध्यम से इसे शब्दशः पढ़ेंगे तो कुछ जटिल शब्दों से आपका सामना होगा। जो शब्द मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे प्रेमालिंगन, प्रेम से गले लगाना, मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण, विग्रह अर्थात अलग होना, पगहा एक देशज शब्द है जिसका अर्थ है पशु बांधने की रस्सी, अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो, प्रतिवाद अर्थात विरोध करना। इन शब्दों को आप लोग याद कर लीजिएगा और आपका गृह कार्य है। आपके लिए मैं दो प्रश्न दे रहा हूँ जो सारांश मैंने आपको सुनाया श्रवण के माध्यम से। इससे आप जो कुछ भी समझे उसके अंतर्गत इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप दीजिएगा। कांजी हाउस से आप क्या समझते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया कांजी हाउस किसे कहते हैं, आप अपनी भाषा में इसका उत्तर लिखिएगा। अपने से बलशाली सांड पर हीरा मोती ने कैसे विजय पाई, लिखिए। अपने विचार से लिखिए कि क्या वजह हो सकती है कि अपने से ज़्यादा शक्तिशाली सांड पर हीरा मोती ने विजय पा ली। इसके पीछे के कारण को लिखना है। इस कहानी के अगले अंश को पढ़ने के लिए, जानने के लिए अगले अंश के सारांश को, हम अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।